नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं राहुल सुंदर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनाली मिनी कॉन्क्लेव में 2219 करोड़ के एमओयू साइन, 1500 करोड़ केवल पर्यटन में होंगे निवेश। नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ली शपथ, हिमाचल में मिले दायित्व को बताया सौभाग्य। बद्दी में डायरिया बेकाबू, दो बच्चियों की मौत, 70 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती। नशे में धुत फौजी मौसा ने रेता 11 साल की बच्ची का गला, डॉक्टरों ने मुश्किल से बचाई जान। सलापड़ में 100 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े दो तस्कर, वोल्वो बस से चढ़े हत्थे। डांस हिमाचल डांस के लिए सोलन ने दी तगड़ी चुनौती। और धर्मशाला में अनूठा संयोग, पहली बार टीम इंडिया में खेलेंगी भाइयों की दो जोड़ियां। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार को आयोजित मिनी कॉन्क्लेव के दौरान निवेशकों और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच 2219 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ऐसे एमओयू की कुल संख्या 93 रही। इनमें से 1500 करोड़ रुपए के 63 समझौता ज्ञापन अकेले पर्यटन क्षेत्र के लिए हस्ताक्षरित हुए। धर्मशाला में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस मिनी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की, जिसमें हिमाचल और बाहरी क्षेत्रों के उद्यमी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके चलते हिमाचल तेजी से आगे बढ़ने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। क्या चीजें की जा सकती है, टूरिस्ट वहाँ अपनी गाड़ी छोड़े और उसके बाद गाड़ी में दूसरी हमारी गाड़ी में जाकर के, यानी कि बस में जाए और उस बस में अच्छी सुविधा के साथ और उसमें जो है वो 3D का जो एक नजारा देखने को मिलता है वो अगर वर्केबल होगा तो उसको उसमें 9 किलोमीटर में काफी टाइम लग जाता है, लगभग 15 मिनट का 20 मिनट का समय उसमें लगेगा। और उसके बाद फिर शिशु दूसरा डेस्टिनेशन है, तो शिशु तक वहां जाने के लिए और शिशु के बाद फिर वापिस आने के लिए, तो एक टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन सकता है ये हमारा रोहतांग। राजधानी शिमला स्थित राजभवन में बुधवार को आयोजित गरिमामय समारोह में महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राज्यपाल की धर्मपत्नी वसंता दत्तात्रेय भी उपस्थित थीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत वाल्दी ने राज्यपाल का नियुक्ति पत्र पढ़ा, जबकि राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने कार्यभार प्रमाण पत्र पर महामहिम के हस्ताक्षर प्राप्त किए। समारोह में कैबिनेट मंत्रियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से मुखातिब राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में काम करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बद्दी से सटे शाहपुर गांव में डायरिया फैलने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि बीमारी से पीड़ित 70 से अधिक प्रवासियों का बद्दी, नालागढ़ और पंचकुला के अस्पतालों में इलाज जारी है। हिमाचल और हरियाणा की सीमा पर बसे गांव में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब यहां बसे दर्जनों निवासियों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ी कि बद्दी और नालागढ़ अस्पताल में मरीजों की बाढ़ सी आ गई। ऐसे में कई पीड़ितों को पंचकुला रेफर करना पड़ा। हालांकि घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि डॉक्टरों की पुरजोर कोशिश के बावजूद 10 साल और 2.5 वर्ष की दो बच्चियों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी मिली है कि पीड़ित प्रवासियों ने अपनी झुग्गियों से सटी एक टंकी का पानी पिया था। छुट्टी पर घर पहुंचे एक फौजी ने मंगलवार रात हैवानियत का कुछ ऐसा घिनौना खेल खेला कि समूचा हिमाचल हैरान रह गया। मामला मंडी जिला के बल का है, जहां नशे में चूर सैनिक रात को अचानक अपनी पत्नी की बहन के घर आ धमका। वहां पहुंचते ही उसे 11 साल की बच्ची मिली, जिससे वह पूछने लगा कि क्या उसकी पत्नी यहां आई है। शराबी मौसा के अंदाज से डरी बच्ची ने जब जवाब नहीं दिया तो आरोपी तैश में आ गया
और अपने पास रखे तेजधार हथियार से उसका गला रेतकर नन्ही सी जान को खेत में फेंक दिया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत नेरचौक अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर बड़ी मुश्किल से मासूम की जान बचाई। इस बीच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। फिर वो आया, मैं समझाया, दुकान की तरफ चलाया, फिर वो आया, उसने मेरे गले को हाथ से अपने पकड़ा और पीछे से मेरे बाल काट दिए। मुझे पता नहीं चला। फिर मेरी मासी के बारे में पूछा कि मासी कहाँ पर रहती है, क्या करती है। फिर मैंने माना कि मैं नहीं जाओ यहाँ से, पहले उसने सजा दिया था, उसने कुछ सुना। तो आप क्या चाहते हैं, उनको कुछ सजा मिलनी चाहिए? हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसे कभी छुट्टी मिल चाहिए और अपनी नौकरी से भी हाथ धो दें। पिछले कल रात को एक 10 साल की बच्ची को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जिसका कि गले में किसी शार्प चीज से कटा हुआ था। जब उस पर जब पुलिस ने उसको वेरीफाई किया तो ये पाया गया कि उसी के मौसा जो है, जिसका नाम ओम प्रकाश है, जो कि खोज में काम करता है, उसने किसी बात को लेकर के उसके गले में किसी चीज से उसको काट दिया था और उसको खेत में फेंक दिया था। पुलिस की सघन धरपकड़ के बीच भी रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश कुछ ऐसी कि हिमाचली नौजवान नशा तस्करी जैसे नामुराद धंधे में गहरे धंसते जा रहे हैं। इसका एक और सबूत बुधवार सुबह उस समय मिला जब मंडी जिला की बल तहसील के दो युवक 100 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ खाकी के शिकंजे में आ फंसे। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब सलापड़ में नाका लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इस दौरान दिल्ली से मनाली की ओर जा रही एक वोल्वो बस को रोका गया तो दोनों के पास चिट्टा मिला, जिसकी कुल मात्रा 100.31 ग्राम पाई गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में लेकर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। ऐसे टीम द्वारा नाका लगाया गया था। दोनों ने नाका एक प्राइवेट वोल्वो बस को चेक किया, जिसमें दो व्यक्ति जिनसे 100 ग्राम 31 मिलीग्राम हीरोइन पकड़ी गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तथा उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। आइंदा कल अदालत में पेश किया जाएगा। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट डांस हिमाचल डांस सीजन 7 के लिए बुधवार को सोलन में ऑडिशंस हुए। इस दौरान सोलन के अलावा बाहरी राज्यों से भी डांसर्स ने अपनी किस्मत आजमाई। कंपटीशन इतना तगड़ा था कि कुल 110 प्रतिभागियों ने अपनी जोरदार प्रस्तुति से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। सुबह 10 बजे माल रोड स्थित विवांता मॉल में हेवन सलों परिसर में ऑडिशन शुरू होते ही यहां डीएचडी का खिताब चूमने को आतुर डांसर्स की कतारें लग गई। ये सिलसिला दोपहर 4 बजे तक चला। कार्यक्रम में एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि हेवन्स ग्रुप के सीएमडी जितेंद्र ठाकुर, अमित मलिक, अमित साहनी, रविन्द्र डोगरा आदि गणमान्य भी यहाँ खास तौर पर मौजूद रहे। बरसात के 2 महीने बीतने के बाद हिमाचल मौसम में कुछ ठंडक की उम्मीद कर रहा था, पर यहां तो मामला ही उल्टा होता जा रहा है। आलम ये कि सितंबर महीने का दूसरा हफ्ता भी गुजरने को आया, लेकिन प्रदेश चिपचिपाती गर्मी से जूझ रहा है। बुधवार का दिन भी राहत लेकर नहीं आया और लगभग समूचे हिमाचल में चटक धूप खिली।
इस कारण जहां अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, वहीं उमस का पैमाना भी ऊपर की ओर उछल गया। हालांकि शाम ढलते ढलते बिलासपुर, पौंटा साहिब, हमीरपुर और धर्मशाला में बुछारे गिरी, जिससे चढ़ते पारे पर कुछ लगाम लगी। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 15 सितंबर तक कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होगी, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 17 सितंबर तक धूप छांव का दौर चलता रहेगा। और अब खेल समाचार। धर्मशाला T20 मुकाबले में भारतीय टीम के लिए पहली बार दो परिवारों के 4 सदस्य खेलने के लिए तैयार हैं। अगर पांड्या बंधु कृणाल व हार्दिक और चाहर ब्रदर्स दीपक व राहुल प्लेइंग 11 में खेले तो HBCA स्टेडियम विश्व क्रिकेट में अनूठा इतिहास रच देगा। ऐसा संयोग पहली बार बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी टीम में भाइयों की दो जोड़ियां मैदान पर होंगी। हालांकि इसका फैसला 15 सितंबर को 6:30 बजे टॉस के बाद ही होगा कि ये चारों एक साथ उतरेंगे या नहीं। बता दें कि पहले भी विश्व क्रिकेट में वॉ, फ्लावर, पठान, अकमल, अमरनाथ, मार्श व मैकिलम ब्रदर्स खेल चुके हैं, लेकिन पहली बार चार भाइयों के एक साथ खेलने का अनूठा संयोग धर्मशाला में बनता दिख रहा है। और अब चलते चलते हमीरपुर बहु तकनीकी कॉलेज PG एकोमोडेशन में जूनियर से रैगिंग, प्रिंसिपल की शिकायत पर FIR दर्ज। HPU के UG फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आउट। रूसा के तहत 44,440 ने दी थी परीक्षा, 27,000 छात्र ही हुए पास। रोहतांग टनल के भीतर दिखेंगे ग्लेशियर और धार्मिक स्थल, CM बोले 3D तकनीक से लैस होगी सुरंग। और धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट 9 समितियों के हवाले, सरकार ने DCSP कांगड़ा को भी सौंपी जिम्मेदारियां। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गायक गोपाल शर्मा की आवाज में ये कुल्लवी गीत। औधड़ी राती मिल देना भूली रखी पिछली ताकियो, पिछली ताकियो सुने राधा रानी है, भूली रखी पिछली ताकियो। औधड़ी राती मिल दे पिछली आकियो, पिछली आकियो सुने राधा रानी है, भूली रखी पिछली आकियो। बारह बजे जब बोला सकरु बाशला, बारह बजे जब बोला सकरु बाशला, रोड़ी ताकी है साकियो, बारह बजे जब बोला सगरु बजला, तू लोड़ी ताकिए साकियो, ताकिए साकियो सुने राधा रानिए, तू लोड़ी ताकिए साकियो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।